गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान मंजरी मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 9 भक्त और प्रहलाद, सॉरी भक्त और भगवान, उसका हमें आज अभ्यास करना है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 52 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 9 भक्त और भगवान। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही निर्दयी राक्षस था। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, वह बहुत निर्दयी था। निर्दयी मतलब जिसमें दया ना हो। हिरण्यकश्यप एक बहुत निर्दयी राक्षस था, उसमें कोई भी दया नहीं थी। वह अपनी प्रजा को बहुत सताता था। सताता मतलब परेशान करना। वह अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था। उसे वरदान मिला था कि उसे कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि कोई भी उसको मार नहीं सकता था, उसका वध नहीं कर सकता था। ना कोई इंसान, ना देवता, ना राक्षस, ना ही जानवर। हिरण्यकश्यप है, उसको ऐसा वरदान मिला था कि कोई ना इंसान, ना देवता, ना राक्षस, ना जानवर कोई भी उसको मार नहीं सकता था, कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। वह घर बाहर दिन रात, धरती आकाश पाताल कहीं भी नहीं मर सकता। वह हिरण्यकश्यप है, वह नहीं घर में मर सकता था, नहीं बाहर, नहीं दिन रात, धरती आकाश पाताल कहीं भी वह नहीं मर सकता था, उसको वरदान था। इसलिए हिरण्यकश्यप और भी घमंडी बन गया। घमंडी मतलब अभिमानी, उसका अभिमान आ गया कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, मेरा कोई वध नहीं करेगा, ऐसा हिरण्यकश्यप है, उसको घमंडी मतलब अभिमान आ गया। अपनी प्रजा को वह कहता है कि मैं ही तुम सबका भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप है, वह अपनी प्रजा को कहता था कि मैं हूँ भगवान, मैं ही हूँ और तुम लोग मेरी पूजा करो। प्रजा भयभीत होकर उसकी पूजा करती थी। भयभीत मतलब डरी हुई। प्रजा है, वह हिरण्यकश्यप है, उससे बहुत डरती थी, इसलिए डर के मारे सब प्रजा है वह हिरण्यकश्यप की पूजा करती थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, वह विष्णु का भक्त था। प्रहलाद है, वह विष्णु भगवान का भक्त था। एक दिन उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा, पुत्र तुम मेरी पूजा किया करो। हिरण्यकश्यप का पुत्र है, उसका नाम है प्रहलाद, और प्रहलाद है वह विष्णु भगवान का भक्त था। तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और कहा, पुत्र तुम मेरी पूजा किया करो, पूरी प्रजा मुझे भगवान ही मानती है। उसने कहा कि पूरी प्रजा है वो मुझे भगवान ही मानती है, तो तुम भी मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा किया करो। लेकिन प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी। प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी, वो तो केवल विष्णु का ही भक्त था। तो उसको हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मेरी पूजा किया करो, लेकिन प्रहलाद ने उसकी एक न मानी और वह विष्णु भगवान को ही पूजता था। प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित मतलब गुस्सा। जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप है वह प्रहलाद पर बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्से हुआ। उसने प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि मैं तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, इसलिए प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। उसने सैनिकों से कहकर प्रहलाद को नदी में फेंकवा दिया। हिरण्यकश्यप ने सभी सैनिकों को बुलाया और प्रहलाद को नदी में फेंकवा दिया, पर वह बच गया।
क्योंकि उसके साथ विष्णु भगवान था इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। तो वह सैनिकों ने सबने प्रह्लाद को नदी में फेंक दिया, फिर भी वह बच गया। प्रह्लाद को जहर देकर मारने की कोशिश की, पर विष्णु जी की कृपा से फिर वह बच गया। उसको नदी में फेंक दिया, फिर भी वह बच गया। उसके बाद प्रह्लाद को जहर देकर मारने की कोशिश की, फिर भी विष्णु भगवान की कृपा थी इसलिए प्रह्लाद फिर से बच गया। इस बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। उसके बाद प्रह्लाद को मारने के लिए होलिका की सहायता ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी। होलिका को भी एक वरदान मिला था कि वह आग में कभी भी नहीं जलेगी, ऐसा उसको वरदान था। होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में लेट गई। जो होलिका है वह प्रह्लाद को अग्नि में लेकर वह गोद में लेकर वह बैठ गई। पर ये क्या, होलिका तो जलकर राख बन गई और प्रह्लाद हंसता हुआ बाहर आ गया। प्रह्लाद को मारने के लिए होलिका ने अग्नि में अपने गोद में लेकर बैठ गई, फिर भी प्रह्लाद है वह बच गया और होलिका है वह जलकर राख हो गई। पेज नंबर 53। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया कि मैंने एक बार नदी में उसको फेंकवा दिया, वहां से भी जीवित आ गया, अग्नि में उसको रखा फिर भी वह जीवित हो गया। इसलिए जीवित देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा हो गया। आग बबूला होना मतलब गुस्सा आना। उसने प्रह्लाद को दरबार में बुलवाया। आज तक मैं तुम्हें यह सोचकर क्षमा मतलब माफ, मैं तुम्हें सोचकर क्षमा करता रहा कि तुम मेरे पुत्र हो, पर आज मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज तक मैं यही मानता था कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं अपनी तलवार से ही तुम्हारा सिर काट डालूंगा। ऐसा हिरण्यकश्यप है वह अपने पुत्र प्रह्लाद को कहता है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से कहा, बहुत गुस्सा हुआ था इसलिए उसने गुस्से से कहा, यदि मेरे प्राण लेकर आपको खुशी मिलती है तो मैं प्रस्तुत हूँ पिताजी। प्रस्तुत मतलब हाजी। हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रह्लाद को भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आपको मुझे मारने के बाद तुम्हें खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हाजिर हूँ। प्रह्लाद ने कहा, प्रह्लाद बहुत गुस्सा हुआ था, उसने कहा कि आपको मुझे मार कर जो खुशी मिलती है तो आप मुझे मार दो, मैं यहाँ हाजिर हूँ। प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यप को कहा, बुला अपने भगवान को। प्रह्लाद ने ऐसा कहा कि आप मुझे जो मारना चाहते हो तो मार दीजिए, मैं तुम्हारे पास ही, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो हिरण्यकश्यप है वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से प्रह्लाद को कहता है कि बुला अपने भगवान को, अब मैं तुझे मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर कहा और तलवार उठा ली। वो बहुत हिरण्यकश्यप है, बहुत क्रोधित हुआ था, उसने क्रोध से तलवार उठा ली। अर्थात मतलब अचानक दरबार सिंहनाद मतलब शेर की गर्जना। अचानक दरबार में शेर की गर्जना से कांप उठा। अर्थात मतलब अचानक सिंहनाद मतलब शेर की गर्जना। गर्जना होती है शेर की, उसको सिंहनाद बोलते हैं। अचानक दरबार में शेर की गर्जना हुई।
एक खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकला। उसका सिर सिंह का था और धड़ है वो मनुष्य का। अट्टहास करते हुए उसने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। जब हिरण्यकश्यप है वह प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाता है तो वहां विष्णु भगवान आ जाता है और वह एक सिंह मतलब शेर की गर्जना होती है और उसका जो विचित्र रूप है वह सामने आता है और उसका सिर है और सिंह का था। उसका जो सिर है वह सिंह का था और धड़ है वह मनुष्य का था। अट्टहास करते हुए उसने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उसने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और द्वार की चौखट पर बैठ उसे अपने जांघों पर लिटा दिया। देख दुष्ट, यह ना घर है ना बाहर, भगवान है। वो हिरण्यकश्यप को कहता है कि दुष्ट मतलब बुरा, यह ना घर है ना बाहर है, ना दिन है ना रात है, ना संध्या का समय है। देख मुझे, मैं ना तो इंसान हूँ न देव और न पशु, मैं सबका मिश्रित रूप हूँ। भगवान है वो प्रहलाद को बचाने के लिए आता था, बचाने के लिए आया तो वह हिरण्यकश्यप को कहता है कि अभी न रात है न दिन है न संध्या है और न मैं इंसान हूँ न देवता हूँ न पशु हूँ, मैं सबका मिश्रित रूप हूँ। मिश्रित मतलब मिक्स, मैं मिश्रित रूप हूँ। यह धरती आकाश और पाताल भी नहीं है, यहाँ धरती आकाश पाताल भी नहीं है, मेरी जांघों पर है तू। हाँ हाँ हाँ, मैं दिए गए वरदान की रक्षा करता हुआ तेरा वध कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि आज मैं तुम्हारा वध करते ही रहूंगा, क्योंकि उसको वरदान था कि वह घर भी नहीं मर सकता था, बाहर भी नहीं मर सकता था। इसलिए भगवान उसको समझाते हुए कहते हैं कि नहीं रात है न दिन है न बाहर है न अंदर है न संध्या का समय है, मैं आज तुम्हारा वध करते ही रहूंगा और तेरा वध कर रहा हूँ। नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु है उसने नरसिंह अवतार का अवतार लिया था और नरसिंह अवतार के रूप में मतलब अवतार में भगवान विष्णु ने कहा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट चीर डाला। नरसिंह भगवान है उसने हिरण्यकश्यप का पेट चीर डाला। समस्त प्राणियों और अपने भक्तों की रक्षा की। समस्त प्राणियों अपने भक्त थे उस सबकी रक्षा हिरण्यकश्यप को मार कर की। सभी प्राणियों सभी उसके जो भक्त है प्रजा है वो सब हिरण्यकश्यप से बहुत परेशान थे, तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारकर सबको उसकी रक्षा की, सब भक्तों की रक्षा की, सभी प्राणियों की रक्षा की। जय हो नरसिंह भगवान की। तो एक पौराणिक कथा के आधारित है ये। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि असत्य पर सत्य की कोई बुराई और अच्छाई की जीत, मतलब जो हमें अच्छा कोई कार्य करे अच्छा कर्म करे तो हमें अच्छा ही फल मिलता है, तो हमें किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थ देखते हैं। निर्दय, निर्दय का अर्थ है जिसमें दया न हो। भयभीत मतलब डरी हुई। क्रोधी गुस्सा। क्षमा मां। सिहना मतलब शेर की गर्जना। मिश्रित मतलब मिला हुआ। वध करना जान से मारना। घमंडी अभिमानी। पुत्र तो बेटा। हठात मतलब अचानक। विचित्र मतलब एकदम अलग। समस्त सभी। आग
बबुला होना मतलब जो आग बबुला होना का मतलब है बहुत गुस्सा होना। बबुला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। पेज नंबर 54 और 55 का जो अभ्यास करें हमें मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न किसने किससे कहा वो हम बाद में करेंगे। पेज नंबर है 55 भाषा और व्याकरण, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 खाली जगह भरे फर्स्ट नंबर हिरण्यकश्यप बहुत ही निर्दयी राक्षस हिरण्यकश्यप बहुत ही निर्दयी राक्षस था। टू नंबर पूरी प्रजा मुझे काली जगह मानती है भगवान। पूरी प्रजा मुझे भगवान मानती है। थ्री नंबर प्रह्लाद खाली जगह भक्त भक्त था। प्रह्लाद खाली जगह भक्त था विष्णु। फोर नंबर मेरी खाली जगह पर है तो मेरी खाली जगह पर हेतु तो छापो। मेरी छापो पर हेतु
हिरण्यकश्यप बहुत ही निर्दयी राक्षस था। टू नंबर, पूरी प्रजा मुझे भगवान मानती है। थ्री नंबर, प्रहलाद विष्णु भक्त थे। फोर नंबर, मेरी जांघों पर है तू। फाइव नंबर, दरबार खाली जगह से काप उठा। दरबार सिंहनाद से काप उठा, तो सिंह नाद। भाषा और व्याकरण में क्वेश्चन नंबर वन है, शब्दों को शब्दों के शुद्ध रूप लिखे। यहाँ जो शब्द दिया गया है उसका हमें शुद्ध करके लिखना है। फर्स्ट में है पहलाद, फर्स्ट में लिखा है पहलाद, तो हमें उसको सही रूप से लिखना है प्रहलाद। प्रहलाद। टू नंबर, पुत्र, तो सही रूप से लिखना है पुत्र। थ्री नंबर, क्रोधित, यहाँ लिखा है खभा, तो सही रूप से लिखना है खुंभा। फाइव नंबर, मिश्रित, मिश्रित, C
सिक्स नंबर संध्या क्वेश्चन नंबर टू नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखे यहां मुहावरों दिया गया है, हमें उसका अर्थ लिखना है, तो मैं आपको आंसर लिखवा रही हूं। फर्स्ट नंबर का है आप बबूला होना, आप बबूला होना, उसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। टू नंबर में आज्ञाकारी बच्चा, उसका अर्थ है आज्ञाकारी बच्चा। थ्री नंबर में आप उगलना कड़वी बातें कहना, उसका अर्थ है कड़वी बातें कहना। फोर नंबर में आग में घी डालना, उसका अर्थ है क्रोध को और
भड़काना, गोत्र को और भड़काना, क्रोध को और भड़काना, फर्स्ट में आग बबूला होना तो उसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। टू नंबर आंखों का तारा, उसका अर्थ है आज्ञाकारी बच्चा। थ्री नंबर आग उगलना मतलब कड़वी बातें कहना। फोर नंबर आग में घी डालना, उसका अर्थ है क्रोध को और भड़काना। होमवर्क लेक्चर नंबर 9 भक्त और भगवान का जो पेज नंबर है 56 क्वेश्चन नंबर 4 खाली जगह खाली जगह भरे वो आपको 0 नंबर की बुक में वन टाइम करना है। पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 4 खाली जगह भरे, उसमें खाली जगह दी है वो आपको होमवर्क में करना है। और जो बाकी की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।